जय श्री श्याम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अभी मैं हूँ अपनी गौशाला में। तो ये हमारे नंदी महाराज काफ़ी प्यारे, तो आप देख सकते हैं इनके मुंह में कुछ ब्लैक सा है, देखिए तो काफ़ी प्यारे। तो जब भी हम यहाँ गौशाला में आते हैं तो इस तरह से नन्हे नन्हे गौवंश को देखकर काफ़ी खुशी होती है। तो आप आगे भी है, अभी सभी घास चरने का, मतलब इन्हें हमने घास दिया है तो अभी सभी घास का आनंद ले रहे हैं। कुछ गौ माता इधर को है, ये सभी जो हम परमानेंट यहीं रखते हैं शेड में, जो घास चरने नहीं जाते हैं। तो ये तो मैं आपको रोज़ ही बताता हूँ कि जो बाकी सभी गौ माता है वो घास चरने के लिए जंगल गई होती है। तो ये कुछ यही होती है, जैसे कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं। तो एक तो ये है छोटा सा हमारा नन्ना, ये थोड़ा कमज़ोर है लेकिन अब शायद थोड़ा हरा है, क्योंकि इन्हें भी 2 महीने पहले रोड से लाया था, उधर जो कचीन घाटी साइड से गौ माता हमारी गौशाला में आई थी उन्हीं में से ये भी एक गौ माता थी। तो थोड़ी कमज़ोर है, तो इन्होंने इस नन्हे बछड़े को जन्म दिया है। तो जो देखने में तो काफ़ी प्यारा है लेकिन अभी छोटा सा है, ये देखिए छोटा सा बछड़ा। तो इस तरह से काफ़ी सुख की अनुभूति होती है जब इस तरह के गौवंशों का हम यहाँ पे ख्याल रखते हैं। ये देखिए ये भी नन्ना नन्ना प्यारा सा। तो तभी मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आप इस गौ सेवा की मुहिम में हमारी मदद करें और इन गौवंशों का भरण पोषण करने में हमारा सहयोग करें। तो वैसे तो हम यहाँ पे एक नए शेड का भी निर्माण करने जा रहे हैं, तो वो भी मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो जो पीछे था पिछले कल का जो वीडियो मेरा इस चैनल पे आया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे एक छोटे से शेड का निर्माण करने जा रहे हैं। तो अभी तो हमारी यहाँ गौशाला में 70 से ऊपर गौ माता हैं, तो धीरे धीरे हम और भी बढ़ा लेंगे जैसे ही वो हमारा शेड तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा है हमारे पास। तो फ्रेंड्स, आप भी इस गौ सेवा की मुहिम में ज़रूर हिस्सा बने और हमारी मदद करने के लिए आगे आए, तो तभी हम भी इन छोटे गौवंशों का ख्याल रख पाएंगे जब आप सब हमारी मदद करने के लिए आगे आएंगे। और साथ ही साथ काफ़ी मतलब लोग हमारे साथ अगर जुड़ेंगे तो हम भी इस तरह के गौवंशों को यहाँ पे रख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मैं इस चैनल पे आपके लिए इस तरह के गौ माता के प्यारे प्यारे वीडियो लेकर आता हूँ हमेशा ही। तो आपसे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस गौ सेवा की मुहिम में ज़रूर हिस्सा बनेंगे और श्याम जी की कृपा से हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ भी रहे हैं, तो हम उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आपसे भी हम यही कहते हैं कि आप ही ज़रूर इस गौ सेवा की मुहिम का हिस्सा बने और हमारी गौशाला के लिए घास डोनेट आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ मैं इसी के साथ कल के वीडियो में, तब तक जय माता दी, जय श्री श्याम।